बाद मेरे 1, 2, 3, 4, 5 50 रुपए पूरे हैं तकरीबन। हाँ अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल, ठीक ठाक। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज कल हम गए थे मंडी, आपने भी मेरा ब्लॉग देखा पिछला, तो मंडी गए थे, मंडी के रेट्स वगैरह हमने पता किए थे। तो हमारा एक फ्रेंड है, उसने भी बकरे वगैरह रखे हैं, हमारा फ्रेंड भी है और हमारा हमसाया भी है। इस साइड पे जो है हमारे तायबू का घर है और उस साइड पे जो घर है वो हमारे जो है हमसायों का घर है, तो उन्होंने भी बकरे रखवाए। तो मैं उनके पास पहले गया नहीं था क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा 12 बकरे रखे हुए हैं, तो हमारी जिन्हें सिपाही थे तो इसलिए हम उनके पास गए नहीं है वीडियो शूट करने के लिए। तो अब इंशाल्लाह उनके पास भी जाएंगे और उनके बकरे भी देखेंगे, क्योंकि कल मैंने देखे माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा प्यारे बकरे थे, तो मैंने कहा आपको भी दिखाऊंगा। तो पहले मैं चलता हूँ नीचे, तो थोड़ी सी शिकंजवी बना के पीते हैं क्योंकि गर्मी जो है बहुत ज़्यादा है, तो पहले शिकंजवी बनाते हैं, पीते हैं और फिर चलते हैं वहाँ पे दोस्त के पास, तो वो बकरे देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। मैं नीचे शिकंजवी बनाने आया था तो अब उन्हें बना के रख दी हुई है, तो अभी पी लेते हैं। और यहाँ पे अब मेरा ब्लॉग देखा जा रहा है बकरा मंडी वाला, तो अब वो भी देख रहे हैं। कंजमी बन गई है तो अभी डाल डाल के ना गिलासों में पीते हैं। सारी नीचे करा दी अभी बर्फ डालनी रहती थी, ठंडी हो गई अभी पी लेते हैं। अभी मैं चौदह को दाना डालने के लिए ऊपर आ गया, तो मैंने जारी करे होंगे तो अभी दाना वगैरह डाल के ना तो फिर चलते हैं। वैसे तो आज फिर बादल वगैरह जो है वो आ रहे हैं, तो अभी पता नहीं है शाम तक या रहेंगे कि दोबारा चले जाएंगे। तो बस मैं रोजाना दुआ करता हूँ कि बारिश आए, बादल आए, मौसम अच्छा हो, तो चले कुछ हमें भी आसरा हो, तो रोजाना बादल आ जाते हैं, रोजाना फिर ना शाम तक खत्म हो जाते हैं। तो आज देखते हैं आज क्या बनता है। ऊपर जो बादल है वो भी एक आ गया हुआ, तो अभी ये अभी चला जाएगा, अभी आ जाएगा तो हम जाने लगे हैं बकरे देखने के लिए, और साथ में पानी वाली कैन भी उठा ली है, तो ये भी साथ ही ले जाएंगे जाते जाते, क्योंकि पेट्रोल काफी ज्यादा महंगा है, बार बार चक्कर नहीं लगा सकते, तो एक ही चक्कर में दोनों काम करेंगे। वालेकुम सलाम, ये सब की हाल चाल जनाब, किथे दुकान ते है, चलो आए थोड़े को, चलो शॉप से जाओ। तो अभी उसकी शॉप पे चलते हैं। क्या हाल चाल, ठीक ठाक, फिट फाट। बकरे माशाल्लाह सोने मेरे, मैं क्या है ले लाया बकरे नवे ले लाने यार, चल कट पैसे मेरे यूट्यूब पे पैसे कमा ला इथे, नहीं नहीं कल कोई नहीं लेके मियां साहब लाख रुपया कमाई करंदे यूट्यूब ते बादल भी आए हुए हैं, और जो बारिश है वो भी हो रही है और मौसम भी अच्छा हो गया। तो फ्रेंड को कॉल की थी, तो फ्रेंड था अपनी दुकान पे बिजी, तो उसकी दुकान पे गए थे, तो वो कह रहा कि शाम को जब है ना मैं वापस आऊँगा तो तब चलेंगे उसके जो डेरे पे जहाँ पे उसने जानवर वगैरह रखे हुए हैं, तो अब जब वो आएगा तो फिर इंशाल्लाह चलेंगे, फिर हम मौसम जो है वो इंजॉय करते हैं बारिश का। तो फिर मैंने अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं क्योंकि हबस काफ़ी ज़्यादा हो गया, बारिश तो हुई नहीं है, बारिश थोड़ी सी देर हुई है, उसके बाद जो है हबस काफ़ी ज़्यादा हुआ है, ऊपर से बिजली चली गई और हमारा जनरेटर भी खराब था, तो कपड़े काफ़ी ज़्यादा पसीने वाले हो गए थे, तो अभी मैंने नहा धो के चेंज कर लिए। तो आज का जो मेरा प्रोग्राम था ना बकरे देखने का, तो वो मुझे लग रहा है कि कैंसिल हो गया, क्योंकि अभी शाम के तकरीबन 6:30 हो गए, तो अभी तक कोई नहीं पता कि हमने जाना कि नहीं जाना। तो अभी मेरा प्रोग्राम बन रहा है कि मैं बाइक लेके निकलूँ बाहर, और मौसम जो है बाहर तो हवा चल रही है लेकिन घर में ना अंदर भी जो होता है काफ़ी ज़्यादा हवस हो चुका है, तो अंदर नहीं बैठा जा रहा, इसलिए बाइक निकालते हैं और बाहर की जो है सैर करके आते हैं और बाइक राइड करते हैं। बाइक जाने से पहले एक कप जो है काफी पी लेते हैं। चले जी गए, अभी मैं बाइक जो है अपनी बाइक लेके आ गया हूँ, तो और साथ है अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप है ये भी लेके आ गया हूँ। तो मेरे जहन में एक आइडिया आया, तो आइडिया जो है वो आपको बताता हूँ कि आइडिया ऐसा है कि हम पेट्रोल जो है आपको पता है कि प्राइसेस उसकी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई है, 250 रुपये लीटर है पेट्रोल। तो मेरे जहन में एक आइडिया ऐसा है कि हम जाएंगे मुख्तलिफ पेट्रोल पंप पे और वहाँ पे डलवाएंगे सिर्फ 50 रुपए का पेट्रोल, और उनके रिएक्शन जो होगा ना तो वो देखेंगे कि क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि हमारे पास जो बाइक है ये भी बाइक बड़ी है, मैं कह रहा था उनके रिएक्शन कैच करेंगे कि क्या उनका रिएक्शन है। तो अभी चलते हैं,
तो वैसे भी तो आज मेरा प्रोग्राम तो दूसरा था, लेकिन सामने ये देखे बकरे वगैरह लेके जा रहे हैं लोग अपने, तो ईद के दिन है तो ये रौनकें वगैरह ना लगी रहती हैं। तो पेट्रोल पंप अभी पहला पेट्रोल पंप आने वाला है, तो वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे जाके ट्राई करते हैं 50 रुपए का पेट्रोल डलवाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि वो डाल के देते हैं कि नहीं देते हैं, कि मेरी बेइज्जती करके मुझे भेज देते हैं। जो भी होगा इंशाल्लाह आज कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे तो आपको भी दिखाएंगे। तो सामने पेट्रोल पंप जो है PSO का पेट्रोल पंप है वो आ गया, तो अभी चलते हैं देखते हैं। मुझे भाई ये डर बड़ा लग रहा है कि क्या रिएक्शन होगा उनका, क्योंकि ये बड़ी बाइक देख रहा हूँ उनका मुंह में पानी आ जाता है कि ज़्यादा पेट्रोल डलवाएगा, लेकिन मैंने डलवाना है 50 रुपये का बस। तो अभी देखते हैं क्या रिएक्शन है ना जो इनका आता है। अस्सलाम वालेकुम जी, अब 50 रुपये का कर दो, 50 रुपये का। हाँ जी, है जी, क्यों पेट्रोल महंगा ही बड़ा की करिए। चले जी याद है तो पेट्रोल डलवा रही है हमने 50 रुपए का, तो अंकल कह रहे हैं मैं तो परेशान हूँ कि ये 50 रुपए का पेट्रोल डलवा रहा है, तो इंशाल्लाह आगे पेट्रोल पंप पे भी जाते हैं और वहाँ पे भी जाके देखते हैं कि क्या रिएक्शन आता है। अंकल का रिएक्शन कोई इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं परेशान हूँ यार 50 रुपए का पेट्रोल डलवाने आया। अभी चलते हैं नेक्स्ट पेट्रोल पंप पे और वहाँ जाके देखते हैं कि कैसा रिएक्शन आता है। अभी मेरे पास पैसे होंगे तकरीबन 100-150 रुपया मेरे पास और होगा, तो अभी 50 रुपए का डलवाया मैंने यार। अभी मेरा एंगल पता नहीं ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ अब ठीक होगा, तो पता नहीं आपने अंकल के रिएक्शन देखे कि नहीं देखे, लेकिन अगली रिएक्शन जो है आपको ज़रूर दिखाऊंगा। अभी कैमरे का एंगल जो है ना मेरा, एक मसला ये भी है कि यार मेरा ना एंगल ठीक नहीं हो रहा, या कह लें कि मोटो ब्लॉगिंग सेटअप ठीक नहीं हो रहा। तो जैसा भी है आपकी आपको ना रिएक्शन दिखाते, अभी चलते हैं अगले पेट्रोल पंप पे। चले जी गए, तो अभी हम अगले जो पेट्रोल पंप है उसके करीब पहुंच चुके हैं, तो अभी यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे रश भी काफ़ी ज़्यादा होता है वैसे, तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे जाके रिएक्शन चेक करते हैं क्या रिएक्शन होता है इनका। तो अभी चलते हैं। ओ बंदे ओ, आगे डॉल्फिन पुलिस वाले भी जा रहे हैं वैसे, तो यहाँ पे चलते हैं। और रश अभी इतना ख़ास नहीं है वैसे, तो रिएक्शन जो है कैच हो सकेगा इंशाल्लाह ताला। अभी चलते हैं देखते हैं बंदा कहता क्या, ये ही फारग बंदा खड़ा, तो इसी से कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, 50 रुपए का पेट्रोल करिए। हाँ जी, कहीं नहीं, इस बंदे का तो कोई रिएक्शन नहीं था, ये तो हैरान परेशान ही रह गया कि ये क्या कह रहा है। तो अभी अगले पेट्रोल पंप पे चलते हैं, इस बंदे ने तो भाई कोई रिएक्शन नहीं दिया। पता नहीं कैमरा देख ना थोड़ा सा वो हो गया होगा यार, ये वीडियो बना रहा है, तो इस बंदे ने रिएक्शन कोई नहीं दिया। पीछे से शायद बातें करेंगे यार ये बंदा है क्या था 50 रुपये का पेट्रोल। तो अभी अगले पेट्रोल पंप पे चलते हैं, तो वहाँ देखते हैं। वैसे तो आज जो मौसम है ना, तो घरों के अंदर जो बात है वो तो है सारा हबस, और बाहर निकलो तो फिर ठीक है, हवा में थोड़ी सी ठंडक है, तो मौसम अच्छा है हुआ है। तो मैंने कहा चलो बाइक निकालते हैं, सैर भी करके आते हैं और एक वीडियो बनाते हैं डिफरेंस ही करके, ताकि आपको देखने में मज़ा आए। अभी हमने 2 पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा लिया, तकरीबन 100 रुपये का पेट्रोल डलवा लिया, तो जो रिएक्शन है ना वो एक रिएक्शन है, इतना ज़्यादा खास रिएक्शन कोई रिकॉर्ड हुआ नहीं है। तो अभी मैं उस पेट्रोल पंप पे जाऊंगा, यहाँ से मैं बाकायदगी से 500-2000 का पेट्रोल डलवाता हूँ, तो वहाँ पे चलते हैं, तो उनका रिएक्शन देखते हैं कि वो कोई रिएक्शन देते हैं कि नहीं देते। तभी मेरे पास तकरीबन हो गए 100 रुपया मेरे पास होगा अभी भी। 50 रुपये का पेट्रोल मैंने इसलिए रखा, मैं चाह रहा था कि 10 रुपये का 20 रुपये का करूँ, लेकिन 50 रुपये का मैंने इसलिए रखा क्योंकि पेट्रोल महंगा इतना ज़्यादा है। 10 रुपये का कह दिया तो वो कि मुझे ना पेट्रोल सुनकर आगे कहे चलो जाओ। रश आज पड़ा हुआ यार, आज तो मंडी चक अच्छी भली बड़ी हो गई है आज तो। मेरा फ्रेंड भी मेरा ख्याल यहीं पे आ गया होगा आज मंडी को, उसने कहा था कि मैंने
मंडी पे चले जाना। खैर अभी तो हमारे पास बड़ी बाइक है तो मंडी जा नहीं सकते, तो अभी हम जाएंगे अगले पेट्रोल पंप पे, वहाँ से डलवाएंगे पेट्रोल। तो अभी हम अगले पेट्रोल पंप पे पहुँच चुके हैं। तो यहाँ ये वो पेट्रोल पंप है, यहाँ से मैं बकायदगी से ना पेट्रोल वगैरह डलवाता रहता हूँ। तो अभी इनका रिएक्शन देखते हैं कैसा रिएक्शन आता है इनका भी। तो ये दूर से करिए वादे देते हैं इधर आ जाओ इधर आ जाओ, तो अभी इनका ना मैं रिएक्शन देखता हूँ कैसा है। होंगे तो ये परेशान ही रहते, कोई नहीं कर देते हैं परेशान इनको भी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, 50 रुपये का पेट्रोल करिए, 50 रुपये का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बस पचास बिना समुद्री घूम लांगे। मैं अज ट्राई करना यार, अच्छा शुक्र लगे तो बिजली भी करवा दी यार, मेरी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो कह रहा यार ये 50 रुपए में स्टार्ट ही नहीं हो रही। तो अभी मेरे पास पैसे पता नहीं कितने बचे हैं, ये देख लेते हैं पैसे मेरे पास है कितने। तो अगले पेट्रोल पंप पे चलते हैं, तो वहां पे देखते हैं कि चलते हैं। अभी तो बाइक वाकई नहीं स्टार्ट हो रही, मसला ना हो कि बाइक के लिए ये नुकसान है मुख्तलिफ पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाना। लेकिन मैं डलवा रहा हूँ अभी, कितने पास मेरे 1, 2, 3, 4, 5 50 रुपये पूरे हैं तकरीबन। हाँ तो अभी चलते हैं अगले पेट्रोल पंप पे, तो देखते हैं वहाँ पे क्या रिएक्शन जो है देते हैं वो भी। अस्सलाम वालेकुम, अब 50 रुपये का करे, 50 रुपये का। हाँ जी हो गया सही। रिएक्शन जो है इनके हैरानगी वाले रिएक्शन है, कोई ऐसा मजाया रिएक्शन वैसे रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो बहुत ज़्यादा शौक से थे सारे लोग कि यार कि कर क्या रहा है बंदा। तो ये थी ये हमारा आज का वीडियो। तो मेरे पास जितने भी पैसे मैं लेके आया था ना पेट्रोल डलवाने के लिए, तो वो तो हो गए हैं ख़त्म। अभी चलते हैं वापस घर। तो गाइस कैसी लगी आपको आज वाली वीडियो? तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज वाली वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, मेरा आइडिया आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज वाली वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर दे सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्त के साथ कर दे शेयर। तब तक लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।